को स्वार्थ की वजह से प्यार करता है, तुम्हारे से कुछ ना कुछ उसको मिलता है। जिस दिन तुम्हारे से उसी का स्वार्थ पूरा नहीं होएगा, उसी दिन तुमको प्यार नहीं करेगा। मर्द भी जब पैसा देता है औरत को तो औरत प्यार करती है, इंद्रियों का सुख देता है, घुमाता है फिरता है, पैसा देता है, ये करता है वो करता है, तभी वो प्यार करती है। मर्द कमा के नहीं देवे देखो स्त्री प्यार करती है, बीमार पड़ जाए देखो स्त्री कफे हो जाएगी, थोड़ा दिन सेवा करके फिर बोलेंगे हम सिनेमा नहीं जाएंगा क्या, हम मैके में नहीं जाएंगा क्या, हमने चीखा उठाया क्या तुम्हारा जो हम बैठ के सेवा करेंगे। सच्चे दिल से सच्चे प्यार से कोई भी तुम्हारे को पूछेगा नहीं गुरु के सिवा, एक ही सच्चा गुरु है जो प्यार कर सकता है, जिसको प्यार आता है, जो प्यार सिखा सकता है। बाकी दुनिया वाले को कहाँ भी प्यार नहीं है, किसी भी हालत में वो प्यार नहीं करता, सब झूठी झूठा है, पाखंड है। ये तिलसमी प्यार है, बैर का प्यार है, खाली दिखाओ। गुरु समझता है कि मैं ही तो हूँ, इसके लिए जैसे अपने लिए प्यार है तैसे उसके लिए है। भाई इधर भी जैसे मैं दुखी हूँ, दूसरा रोता है, तो गुरु समझता है जैसे इधर भी मैं दुखी हूँ, अभी मैं इसको खुश करूँ। ऐसा तरफता है गुरु दूसरे का दुख सुन के और अपने वाले का दुख सुन के, वो ऐसा पत्थर हो गया है जो कान से भी सुनाई नहीं देता है, वो कान भी नहीं रहा है जिसके जिसी से भाई अपने वाले का कुछ दुख सुने, और दूसरे वाले का दुख एकदम उसी वो मन से सुनता है, मन से उसी को गहरा असर हो जाता है ज्ञानी को, तो ये आज खुश हो जाए, आज मेरे शरण में आया है तो आज ये मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं ये जाए तो फिर उसी का जन्म चला जाए। तुमको गुरु इतना सागर बना देता है जो भी तुम बूंद का प्यासी नहीं है, तुम कभी भी किसी से प्रेम नहीं मांगना आज से, भाई मैं तो सागर नहीं हूँ, मैं तो बूंद हूँ, मैं तो लहर हूँ, मैं तो नदी हूँ, भाई दूसरा कोई सागर है जिसके साथ तुम जाता है, भाई सागर से तुम लेने जाता है, बोलता है नहीं गुरु तुमको बिल्कुल सागर बना देता है, तू प्यार का सागर है, अभी तुम बूंद का प्यासी कभी नहीं बन सकता है, किसी से भी मांगना नहीं है। सच तुम्हारे अंदर आता है तो प्यार भी आ जाता है, जिसके अंदर में सच्चाई आ गई, आत्मा का ज्ञान आ गया, प्रेम परमात्मा का प्रेम उसी के पास आ गया, सच्चाई जिसके अंदर में है कि सब मैं ही तो हूँ, तो उसके अंदर में प्यार कैसा नहीं आएगा। किसी के लिए भी द्वेष वो रख नहीं सकता है, चाहे तो भी नहीं रख सकता है, अंदर में आके घुटन होएंगी उसको, तो हम द्वेष रखें तो किसके साथ रखें। शरीरदारी सब मोह में है, आत्माकार में प्यार होता है। जो भी शरीरदारी है सारी दुनिया में कितना भी है, बड़ा संत साधु है लेकिन उसी को भी प्यार क्यों नहीं है, क्योंकि वो शरीर में अभी फंसा पड़ा है कि मैं संत हूँ, मैं गुरु हूँ, ये शिष्य है। दो है तो प्यार नहीं है, दो में प्यार नहीं होता है, प्यार होता है एकता में, प्रेम में दो दिल मिलके एक हो जाती है, और बाकी मोह में तो दो ही रहता है हमेशा, तो सारी दुनिया मोह में फंसी पड़ी है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है तैसे ज्ञानी का स्वभाव प्रेम वाला है, जैसे पानी स्वाभाविक शीतल है तैसे ज्ञानी स्वाभाविक प्रेम प्रेम का बिल्कुल सागर है, प्रेम से भरा पड़ा है, ओत प्रोत अंदर बाहर उसके है ही प्रेम, वो ज्ञान अज्ञान नहीं जानता है लेकिन प्रेम में डूबा पड़ा है, इसके लिए दूसरे को भी जो भी सामने आता है उसको प्रेम में डुबाता है, वो पापी से भी नफरत नहीं करता है, क्योंकि पापी से अगर ज्ञानी नफरत करे तो पापी सुधरे कहाँ, बाकी सारी दुनिया तो उसको नफरत करती है, तो ज्ञानी भी अगर उसको नफरत करना चालू करे तो वो सुधरेंगे आखिर कहाँ, पापी पापी भी तो सत्संग में ही सुधरता है ना, गुरु के प्रेम में वो पाप छोड़ देगा, दुनिया में पाप नहीं छोड़ेगा। क्राइस्ट को जिसने मारा जुडास ने, उसी से किसी ने पूछा भाई तुम क्या बोलता है क्राइस्ट के लिए, उसने बोला आज भी क्राइस्ट के अंदर में मेरे लिए वो ही प्यार है, वो मेरे को खातरी है, हमने चैसी को मारा भी है तो भी हमको पता है कि मेरा गुरु क्या है, वो प्रेम का सागर है, वो कभी नफरत कर नहीं सकता है किसी से, हमको आज भी खातरी है कि मैंने उसी से गोली से उड़ाया है उसको, बराबर 500 गेनियां लेके उसको क्रूसीफाई कराया है, ये मेरा ही है पाप, लेकिन तो भी क्राइस्ट के दिल में कभी भी मेरे लिए नफरत नहीं हो सकती, आज भी वो ही प्यार है जो आगे था, ऐसा नहीं समझेगा इसने मेरे को मारा इसके लिए मैं इसको भाई प्यार नहीं करूं, ऐसा ज्ञानी का स्वभाव नहीं होता। इतना जुडास को अपने अंदर में विश्वास था। सपने में भी हम नहीं देखेंगे कोई खराब है, सपन में भी किसी के लिए नफरत नहीं होना चाहिए, इतना प्यार का स्वभाव बनाओ। जो गुरु को जानता है, जो गुरु के ज्ञान को जानता है, तो नानक बोलता है मैं उसके चरणों की धूल मांगता हूं। नानक बोलता है कि जो मेरा ज्ञान ये सुनता है, जो मेरा ज्ञान समझता है, मेरे को पूर्ण रूप से कैच करता है, मैं उसकी पांव की धूल भी मांगता हूं।
भाई मैं इतना कुर्बान जाऊंगा उसके ऊपर कि अर्जुन को बोला भाई तुम मेरा परम प्यारा है, भगवान कृष्ण ने बोला। क्यों बोला? अर्जुन ने क्या किया? केवल श्रद्धा रखा, विश्वास रखा, निम्रता रखा, ज्ञान सारा लिया उसने, कृष्ण को पहचाना, चारी तरफ से नमस्कार किया, भाई बराबर तुम भगवान है और मेरे को भी अध्यात्मक ज्ञान से मेरे को भी निष्ठा है कि मैं आत्मा हूँ। तो कृष्ण उसके ऊपर जैसे पलार जाता था कि ये जो मेरा ज्ञान जाके सर्व को देगा तो मेरे को उसी जैसा प्यारा, अति प्यारा कोई भी नहीं है दुनिया में। जो मेरा संदेश मेरे भक्तों में जाके देता है वही सच्चा प्यारा है मेरा। तो उसकी चरणों की धूल भी वो मांगता है गुरु। तुम भी अगर थोड़े थोड़े टुकड़े का भगवान बनेगा तो सर्व का भगवान नहीं हो सकता है। ये थोड़ा मेरा शिष्य है, ये फलाने शहर का मैं गुरु हूँ, फलाने शहर का मैं भगवान हूँ, थोड़े टुकड़े का भगवान नहीं बनो, सारी सृष्टि का एक ही भगवान हो जाओ तुम। एक आदमी को भी तुम रुसाओ नहीं जो तुम्हारे घर से रूठ जाए, तुम फिर जाके उसी को प्यार करो तो एक दिन वो तुम्हारे में समा जाएगा। ऐसा नहीं बोलो तो रूठ गया तो हम क्या करें, हमारे अंदर में तो प्यार है ना, वो आए नहीं आवे मेरा क्या वास्ता है इसी से। तो ज्ञानी का वास्ता है तो सबसे है, नहीं है तो किसी से भी नहीं है। वो है भी सबसे वास्ता, सबको प्यार भी करता है, खींचता रहता है, क्योंकि वो समझता है ये मेरा ही बच्चा है, कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा भटक जाएगा। सबसे ज्ञानी फिट हो जाता है, शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता है लेकिन उसी से फिट हो जाता है, उसको छोड़ता कभी नहीं है, फिट होता जाएगा उसी से। शेर अपना शेरपना छोड़ के बकरी के साथ ऐसा बैठता है जैसे बकरी को शेर से डर नहीं हो और बकरी भी शेर होती जाए। ऐसी तरह से गुरु अपना गुरुपना छोड़ के और नीचे होके सबसे ऐसे मिल के बैठता है जैसे बच्चे से बच्चे जैसा, तभी बच्चा ऐसा होशियार होता है भाई मैं भी कुछ बन सकता हूँ। अगर शिष्य को शिष्य समझेगा तो गुरु के आगे वो दबता रहेगा हमेशा, कभी भी उसको आत्मा का निश्चय नहीं होगा, शेरपणे की गर्जना नहीं कर सकता है कोई भी शिष्य गुरु के आगे। और जिसको गुरु ने ऐसा बनाया है भाई तुम भी शेर है मैं भी शेर हूँ, डरता किससे है? कौन मैं कोई मगरमच्छ हूँ क्या जिससे तुम डरता है? जैसा तुम है तैसा मैं हूँ, फ्रेंडशिप दोस्ती रखता है सबसे तो प्यार हो जाता है। तो कितना भी कमजोर आता है निर्बल आता है उसको भी बलवान बना देता है गुरु। कितनी भी तकलीफ हो जाए शक और शंका अपने अंदर में नहीं रखो, जो भी शंका तुम लाता है इधर हजार वाली पूछो तो गुरु थकता नहीं है, नहीं बोलेगा भाई तुम इतना वाली क्यों पूछता है, हजार वाली पूछो लेकिन इधर ही निश्चय करके जाओ। दुनिया में भाग के जाएगा शंका लेके शक लेके तो उधर गिर जाएगा, लेकिन लाख वाली गुरु से पूछ के इधर ही अपना शंका दूर करो, नहीं तो जाएगा दुनिया में तो कोई तुम्हारी शंका नहीं दूर करेगा। गुरु की बात दूसरे से पूछेगा तीसरे से पूछेगा तो भी जवाब पूरा नहीं आएगा। जिसके लिए तुमको शिकायत है उसके सामने जाओ, उसी से जाके बात करो भाई तुम्हारे में ये मेरे को शंका है, सीधा बहादुर ऐसा है तो तुम्हारी शंका एकदम दूर हो जाएगी। जिसके लिए तुम्हारे को है उसी के पास जाओ, पूछ के पक्का करो। जो मेरे में संशय रखता है शक रखता है वो नाश हो जाता है। भगवान बोलता है गीता में अर्जुन को भाई संशय बुद्धि नाश जान और निश्चय आत्मक बुद्धि तुम हो जाओ। जिसके बुद्धि में संशय आता रहता है ये करूं ये नहीं करूं, गुरु सच बोलता है पता नहीं झूठ बोलता है, ऐसा क्यों बोलता है ऐसा क्यों करता है, गुरु के लिए सारा दिन शक और शंका रख के बैठेगा उसको कभी भी हिम्मत अंदर में नहीं आएगी, सच्चाई नहीं आएगी और वो नाश हो जाएगा, एक दिन नास्ती आ जाएंगे, एकदम जन्म मरण के चक्कर में जाके पड़ेगा, नर्क में जाके सीधा पड़ेगा। जीता होएगा भी जीते जी भी नर्क में होएगा, क्योंकि गुरु को छोड़ के कहाँ भी जाएगा फिर था नहीं पाएगा, कहाँ भी शांति नहीं है, किधर जाएगा, छोड़ के जाएगा तो किधर जाएगा, कुछ भी नहीं है ना दुनिया में उसके लिए। और भी वो विकार विकार लेके इधर से और भी पाप लेके बेचारा पापी बन के चला जाएगा, आया था शुद्ध होने के लिए, आया था मुक्त होने के लिए, तो इधर भी शंकाएं लेके चला गया, क्या उसकी गति होगी। इसके लिए भगवान बोलता है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशय बुद्धि नाश जा। श्रद्धा वाला तो ज्ञान में आ जाता है लेकिन संशय वाला नाश हो जाता है, तो संशय किसी में भी नहीं होता। दुनिया का गुरु अधकारी को ज्ञान देता है पर ज्ञानी तो श्रद्धा पैदा करता है और अधकारी भी इधर ही पैदा करता है, अन अधिकारी को अधिकारी बनाता है। कितना भी तुम अन अधिकारी हो तुम बोलो भाई मेरे को तो ज्ञान लगेगा ही नहीं, मेरे में तो बहुत विकार है, मैं तो कैसे भाई ज्ञान में आऊंगा, तो भी गुरु बोलता है नहीं तुम पहले से ही निर्विकारी है, तुम अधिकारी पहले नंबर का है, तुम क्यों समझते हैं मैं पीछे हटू भाई मैं मेरे को ज्ञान नहीं लगेगा। सबको ज्ञान का हक है, जन्म से तुमको हक है, आनंद और शांति तुम्हारा वर्षा है, तुम काय के लिए गंवाता है। ज्ञानी कभी किसी को पापी और पुण्य नहीं देखता है, भाई पुण्य आया तो आज सुधर जाएगा, ये पापी आया तो शायद देरी लगेंगी, ऐसा नहीं है, किसी को भी देरी नहीं लगती है। इस ज्ञान जो अपने ऊपर कृपा करे आज का आज वशीष देवे ईश पावे,
अपना देह अभिमान छोड़े तो एकदम उसको शांति आ जाए, भाई मैं फलानी नहीं हूँ मैं आत्मा। और ये जो चोर है मिल्कियत के मालिक की चोरी करता है, तुम जो मालिक बन के बैठा है कि मेरा है ये, मैं हूँ ये, मेरा है ये शरीर, मेरा ये बेटा ये बेटी ये सब धन मेरा है, तो मेरा जो तुम कहता है वो मालिक जो बन के बैठा है वो मालिक छुड़ाने के लिए आता है गुरु, नहीं कि तुम्हारा पैसा लेने के लिए आता है। तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास ही रहे, तुम्हारा धन मन धन तुम्हारे पास ही रहे, लेकिन तुम जो उसका मालिक बन के चोर बन के बैठा है वो चोरी छुड़ाने के लिए आए, ये बड़ा चोर है, तुम भी चोर है, क्योंकि परमात्मा का जो पदार्थ है वो तुम अपना समझ के बैठा है, इसके लिए तुम चोर है, लेकिन ये तो बड़ा चोर है, क्योंकि तुम्हारी मालकी जो है चोरी जो तुम्हारी है सच्ची वो छुड़ाने के लिए आया। बोलता है तो ऐसा गुरु भले आए, जी जी आया, भली करे आया भाई, अच्छा अच्छा जो आया वो इधर, और हमारी ये जो चोरी जो है वो झूठ जो है वो लेके गया। तो पीछे बोलता है रात चांदिया विषयन जी मनते थी मैल करे, रात दिन जो हम दुनिया में बैठे थे तो मन के ऊपर मैल चढ़ती थी चढ़ती थी, रोज रोज हम पाप करते थे, रोज रोज हम विषय विकार में जाके गंदा बंदा नीच और पापी होते थे, तो इसके लिए आओ कुर्बान तिनता। बोलता मैं कुर्बान जाऊं ऐसे गुरु के ऊपर जो आया और हमारे से आके ये सब मैल जो है वो एकदम छुड़ा के साफ करके गया। बोला बी एज होली एज प्योर एज योर फादर इज इन हेवेंस, ऐसा तो तुम साफ बनो, ऐसा तो तुम पौत्र बनो जैसा तुम्हारा गुरु है, जैसा तुम्हारा पिता परमात्मा है तैसा तुमको भी ऐसा बनाता है। तो इसके लिए बोलता है मैं उसके ऊपर कुर्बान जाऊं। पीछे बोलता है बेपरवाह मैर करे कन्न कशाला कई, भाई ऐसा तो बेपरवाह गुरु है जिसको चाहिए भी कुछ नहीं तो भी कितना कशाला करके कितना कष्ट शरीर को देके कहां कहां से हमारे पीछे आता है। देखो आजकल ट्रेन का इतना रोला है, थर्ड क्लास में जा रहे हैं हम तो सब आदमी आके डराता है, कहां कहां से फोन आता है, अरे दादा को ऐसे ट्रेन में कैसे लेके आता है, हवाई जहाज में लेके आओ भाई बहुत कष्ट होएगा, इतनी गर्मी में इतनी भीड़ में तुम कैसे लेके आता है। दादा बोलता है हम चलेंगे, हम थर्ड में चलेंगे, हम फर्स्ट में भी नहीं चलेंगे, हम एयरप्लेन में भी नहीं चलेंगे। हमने कल पूछा भाई हवाई जहाज की टिकट ले, तो उसने बोला जैसे ना चार जुआरी आपस में बैठता है ट्रेन में तो कितना मजे में बैठता है, उसको अगर बोलो भाई एक जुआरी को बोलो तुम हवाई जहाज में जाओ हम पीछे आता है तुम्हारे तो जाएगा। तो हम ऐसे थर्ड क्लास में जब आपस में बैठ के सत्संग करते हैं भजन सुनते हैं तो हमारे को कोई कष्ट नहीं है, हम तो समझते हैं हम फर्स्ट क्लास में रहते हैं, थर्ड क्लास को भी हम फर्स्ट क्लास समझेंगे, तुम हमारी चिंता नहीं करो, हम बीमार नहीं है, तुम जाके अपनी चिंता करो, तुम्हारी दिल हो गए तो भले जाओ हवाई जहाज में लेकिन हमारी कुछ इच्छा नहीं है। तो बोलता है बेपरवाह मैं करे कितना कष्ट कशाला सह के और हमारे लिए आता है, नहीं वाह वाह बची हाय वाह वाह देके हाय हाय लेके जाता है, सब चिंताएं सब रोग सब बीमारियां मौत का डर जमकाल का डर बुढ़ापे की चिंता मौत की चिंता सब चिंताएं जो तुम्हारी वो अपनी बड़ी ऐसा तुम्हारी गठरी लेके चला जाता है, उसका दूसरा काम नहीं है, खाली तुम कचरा उसको दियो जैसे वेस्ट पेपर बास्केट में तुम कचरा डालता है वो इतनी सेवा करता है बेचारा तुम्हारी, ऐसी तरह से गुरु बोलता है तुम भी कचरा हमको दियो सत्य वस्तु हमारे से लियो, ऐसा व्यापार करो झूठ देके और सच लियो, झूठ भी दियो हमको नहीं लेकिन छोड़ो जहां पड़ा है ताही छोड़ो, जिसका है उसको ही दियो वापस, जिसकी वस्तु उस आगे रखे प्रभु की आज्ञा माने माथे, जिसकी वस्तु है उसको वापस दियो, ये तन मन धन है ही परमात्मा का तो उसी का ही समझो, खाली अपना नहीं समझो, ये समझ अपनी चेंज करो, ये ख्याल अपना चेंज करो, जो अपना अपना कहते हैं वो अभी सब प्रभु को दे दियो कि सब तुम्हारा है हमारा कुछ नहीं है, नहीं मैं हूं नहीं मेरा है नहीं मैं कुछ करता हूं। पीछे बोलता है खस्याऊ खिट पिट बड़ेल मन रो बारन जिया आतारे, जो खिट पिट करता है ना बच्चा तो मम्मी क्या करती है ऐसा ऐसा करके और उसी को दवाई पिलाती है, ऐसा मीठा कोई चीज खिला के और दवाई पिला के जाती है और उसको पता भी नहीं चलता है बच्चे को तो कैसे हमने दवाई पिया, तो जैसे मम्मी ऐसा करती है तैसे गुरु भी ऐसी ऐसा वचन सुना के तुमको ऐसा झूठ छुड़ाता है जो तुमको ही पता नहीं लगेगा हमारे से झूठ छूट कैसा गया, अरे हमारे को इतना ख्याल था इतना भड़ी हम ऊपर सिर के रख के बैठे था तो अभी वो चला कहाँ गया, चिंताएं कैसे दूर हो गई, विकार कैसा चला गया हमको तो पता ही नहीं चला, नहीं गुरु ने कुछ किया नहीं हमने कुछ किया कुछ दिया भी नहीं लिया भी नहीं, ये अंदर की क्या हालत हो गई कैसे चेंज हो गया, ये पूर्ण गुरु के मुख से तुमने ज्ञान सुना और उसके वाइब्रेशन जब तुम्हारे में आया तो वो जो मौन में है वो जो शांत में है वो जो थॉटलेस है तुम जब उसके सामने भी बैठेगा तो तुम भी थॉटलेस हो जाएगा। तुम बताओ सुबह से 7 से इधर 10 बजे तक अभी बैठा है तुमको कोई माया का ख्याल आया है, सच बताना झूठ नहीं बताना भाई, तुमको कोई भी ख्याल दुनिया का आया है माया का आया है घर का आया है इधर गया कैसे ऐसा हो गया, थोड़ा थोड़ा आया होगा जो बेचारे नहीं आए होंगे उसको तो इतना मजा नहीं आता है ना,
वो भी पापी है, वो भी सामने आके बैठे तो उसका भी मन अमन हो जाएगा, इधर उधर देखेगा तो मन अमन नहीं होता है। तो ऐसा जैसे माँ बच्चे को पहले दिन आया है, हमारी साड़ी देखेगा, सिकल देखेगा, बैठना देखेगा भाई कितना खाते है, कितना मगज लगाते है, शायद सिक्के कोई सीरा पूरी खाते हुए ध्यान बताते हुए साड़ी कहाँ से मोटा है मुखे डिना। हमारे मन के ऊपर प्रेम का रंग चढ़ा के फिर वही मन हमको वापस दिया भाई अभी तुम हमारी आंख से जाके देखना, तो सब जगह हमारे आंखों में भी प्रेम समा गया है, हमारे दिल में भी हर एक के लिए प्रेम समा गया है। ऐसा हमारा मन चेंज कर दिया गुरु ने, जो पहले जो मन विकार में जाता था, सारा दिन खिटपिट में जाता था, अभी वही मन अमन हो गया, प्रेम का रंग उसके ऊपर चढ़ा दिया है गुरु ने। पीछे बोलता है जगत साड़ो पंजन ही फुड़ियो ही वड़ी व्या पंजे ही फुड़े, सारा जगत जो है वो पांच विकारों ने उसको लूट लिया है, लेकिन ये ऐसा चोर है गुरु जो हमारा सारा ही पांच विकार लेके गया, ये इतना होशियार है। इसको सुबह को मैंने गुस्सा किया, मेरे मैनस का, लेकिन जो दुश्मन है एक दूसरे को खाली फूल ऐसा लगाएगा ना तो भी गुस्सा आ जाएगा, इसने मेरे ऊपर फूल भी क्यों डाला, इसकी भावना भाई खराब होगी। तो गुरु गाली देता है या कुछ भी करता है तो उसकी भावना क्या है अंदर में, जैसे कुंभार होता है ना तो मटके को ऐसा ऐसा काटता है लेकिन अंदर उसी के हाथ देता है, पहले अंदर हाथ देता है ऊपर से ऐसा ठोकता है उसी को तभी मटका बनता है। ऐसी तरह से गुरु का हाथ हमारे ऊपर बहुत है, अंदर से वो शक्ति देता है और बाहर से गाली देता है, तो इसके लिए तो गाली नहीं लगती है, इतनी गाली तुम खाता है और बैठा है अभी तक, काय के लिए नहीं भागा, क्यों समझा कि अंदर उसके प्रेम है और हमारा मन इसी गालियों के लायक है। हमारा मन बराबर ऐसा बदमाश है, ऐसा है बराबर हरामी है, जो भी तुम इसको गाली देता है वो इसके मन के ऊपर लगती है, क्योंकि मन ऐसा है चंडाल है चोर है, इधर सुनेगा फिर बाहर जाके ऐसा विकार करेगा, ऐसा तो है खिन खिन भूलन हार, खिन खिन में भूल जाता है, कुत्ते का पूछ की तरह से है, कुत्ते के पूछ को कितना भी नर में डालो फिर तुम उसी को निकालो तो फिर टेढ़े का टेढ़ा, ऐसा तो मन है। इसके ऊपर कितनी भी लानत लगे कितनी भी गालियां लगे तो हम इसके लायक है या नहीं है, ऐसे ही गुरु देता है गालियां, तो इसके लिए तो तुम सब बैठ गए ना, क्यों को समझता है ये मन ऐसा है। पीछे बोलता है बिना शत्रु राजा, वो ऐसा ही राजा हमको कर देता है जो अभी हमको शत्रु कोई भी नहीं है, सब प्यारा ही प्यारा लगता है, जहां देखे उत्वल प्यारा, उधर भगवान ही भगवान देखने में आता है, कोई शत्रु नहीं है, ये पांच विकार भी अंदर से शत्रु चला गया और बाहर भी कोई शत्रु नहीं देखने में आता है, क्योंकि है ही भगवान तो किसको आंखों के मंदा है, कहाँ है मंदा कहाँ है चंगा, सब भगवान ही भगवान है। पीछे बोलते हैं मामा जी गंड भारी सिरते हुई रखे लमिंजे, हमारे सिर के ऊपर एक मन का बोझा रखा था, मैं का, मैं हूं सारा दिन बकरी की मैं करता था, अभी वो आके बोझ उतारा, अरे तुम है ही नहीं, तुम ऐसा हल्का हो गया कि अभी मैं ही नहीं हूं तो मैं काय के लिए चिंता करूं, मैं ही नहीं हूं तो मेरा कहां से आया, मैं ही नहीं हूं तो मैं कर क्या सकता हूं, सब चिंताएं उतर गई क्योंकि मैं नहीं हूं, पहले तो आके मैं को मारा हमारे कि तुम आज से नहीं है, इधर भगवान है, तुम भगवान का खून करके ऊपर बैठ गए थे तो मैं हूँ, भगवान अंदर था लेकिन उसका जैसे खून करके और ऊपर से मैं चढ़ के बैठा था कि मैं हूँ मैंने किया, और अभी गुरु आके मैं हमारी मारता है और तो सचमुच भगवान अंदर से प्रगट हो जाता है। माया का मारण हरि नाम है, ये है शरीर माया, ये शरीर का अहंकार है माया, जिस दिन तुमने अहंकार निकाला उसी दिन सच्चा भगवान प्रगट हो जाएगा और वो आके तुम्हारे शरीर से काम लेगा और तुम्हारा अपना अहंकार चला जाएगा। दिगेरे मैर जो हथरो लाए खिन में सोवरताई, भाई ऐसी मैर का हाथ रखा हमारे सिर पर जो सारा ही हमारी मामा की जो चिंता थी, ये मगज जो भारी था चिंता में वो भारी से हल्का हो गया, अभी मैं भाई मुक्त हो गया हूँ, दुनिया जा दुख सहे सकती हूँ सताई की न की आने, अभी तो दुनिया का कितना भी दुख आ जाए, पहाड़ जितना दुख आ जाए, सूढ़ी जितना दुख आ जाए तो सूढ़ी हमारे को कांटा भी नहीं लगता, अभी कितना भी मुसीबत आ जाए तो हमको नहीं लगती। हमारी छोटी छोटी लड़कियां से हम पूछते हैं तो भगवान अगर तुम्हारे को पूछे तो तुमको क्या चाहिए तो क्या लेगा, तो बोलती है भगवान को हम कहेंगे तो तुमको क्या चाहिए हमारे से लेके जाओ, तुम्हारा जो पदार्थ है सब मिथ्या है, सब ठगी किया है तुमने, जब जब हमको कुछ भी दिया है तो लेने के लिए ही दिया है और फंसाने के लिए दिया है, इसी से नहीं देता है तो अच्छा है, अभी भी तुम सब लेके जाओ हमारा कुछ है ही नहीं, हम आज से ही हाथ उठा के बैठा है कि हमारा कुछ नहीं है, तो ऐसा बोलता है कि अभी तो हमारे को दुनिया का कोई भी दुख सता नहीं सकता है, मगर जम काल जो भव भी खसे खिन में सुवरता हूं, जम काल का बड़े में बड़ा भाव जो मौत का है वो भी एक क्षण में ऐसा निकल गया, क्योंकि हम अमर है अजर है आत्मा है तो मरेगा कौन, मरने का डर किसको लगता है, जो मैं करता है तो वो ही मरता है, तुम्हारी मैं मरती है, जो हो मैं में है वो मरता है, जो करता है सो मरता है सो भरता है, जो अकड़ता है वो अमर है वो आत्मा है, तो जो अजर अमर आत्मा हो गया वो मरेगा नहीं, इसके लिए जम और काल का भाव भी हमारे को अभी नहीं लग सकता है, हम अमर है।
प्रेमी ही तन मन धन खणी भेटा कड़ियां तिनके। अभी बोलता है अभी क्या दूं गुरु को, हमारे पास है अभी क्या, ये तन मन धन जो है अभी चोरी का, जो ठगी का, जो झूठ है मिथ्या है, वो हम सब दे देते आज से गुरु को, और उसी से हमने सच ले लिया। बोलता है लही से गंजू करने बिना करोड़े तिनजू कृपाऊं। भाई इतना हम देंगे भी, तन मन धन सब जो हमने दिया भी, तो भी हमारे ऊपर जो कृपा किया गुरु ने वो उतार नहीं सकते हम, उसका बोझ इतना है हमारे ऊपर, हम उसकी मेहरबानी के ऊपर दब गए हैं। हम कुछ भी देंगा तो उसकी फी नहीं है। बोलता है एक लाख दियो, एक शीश दियो और हरी मिले तो भी सस्ता जान, लेकिन लाख शीश दियो हरी मिले तो भी गल एहसान। भाई एहसान गल है जो लाख शीश दियो और हरी मिल जाए। एक शीश तो सब दे सकते हैं, लाख शीश माना अपना ये संबंधी सबको मार डालो गुरु के आगे, भाई मैं भी नहीं हूं, मेरा भी नहीं है, सारी दुनिया का ही शीश उतार के गुरु के आगे रखो तो भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये इतना गुरु की महिमा है। एक एक शास्त्र में देखो गुरु की महिमा क्यों लिखी पड़ी है, क्योंकि वो जन्म से मरण से 84 लाख जूनियों से चिंताओं से दुखों से एक एक चीज से आके वो चुराता है। एक वासना तो तुम छोड़ के दिखाओ, कहां भी संत साधु के पास तुम गए हो गए, एक वासना एक इच्छा तो छोड़ के दिखाओ तो हम तुमको इनाम देना। किसी भी गुरु से तुम वासना को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही वासना में पड़े, खुद ही मोह अहंकार में पड़े, तो तुमको क्या दिखाएंगे, क्या तुमको छुड़ाएंगे। तो गुरु तो ऐसा चाहिए जो छुड़ावे संसार, संसार से हमको मुक्त कर डाले। बैठे भी है संसार में लेकिन संसार हमारे अंदर में नहीं है, यही बात है मुक्ति की। ग्रस्त में जो रहे उदास, नानक अमता का दास। बोलते ग्रस्त में रह के भी तुम उसे उदास हो जाओ, मना उसी का दुख सुख लाभ हानि मान अपमान तुमको नहीं लगे, तभी तुम ग्रस्त में उदास हुआ। ऐसा था गुरु नानक, ऐसा था कृष्ण, तो वो ही आज तुमको बनाने आया है गुरु। तो भाई तुम भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कृष्ण राम हो गया और तुम नहीं हो सकते है, तुम भी ऐसा ही मनुष्य। तो जब हम गुरु को देखते हैं तो हमारे ऊपर हमारे सामने आदृश्य है, तो हमको बहुत सरल बात लगती है, तो ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे तुम भी सब कर सकते हैं, कोई भी ऐसी दुखी बात नहीं है, ऐसी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही भगवान है, केवल अपने को जानना है और पहचानना है, दूसरा कुछ करने का नहीं है। तुमको अगर खाने का है तो तुम मंच बनो तो तुम खाओ, नहीं बनने का है मंच, नहीं बनने का है नहीं खाने का है तो नहीं खाओ, बाकी यहाँ बकवास नहीं करने का जरूर है। मतलब ये है, सारी गीता में भरी पड़ी है ये बात, लाखों बात तुम मेरे से समझने के लिए आओ तो हम तुमको सुनाएगा। तो कितना ये गीता का शास्त्र कितना बड़ा है, कितना बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बात इसमें लिखा है, जो एक भी आदमी दुनिया में हमको देखने में नहीं आता है, जिसने जाना हो है तो गीता में ऐसा बात लिखेला है। एक कंपनी में हम कभी गए, वहां पूछे तुमको मालूम है, तो अर्जुन जो लड़ाई के बरखिलाफ था, तो हम लड़ाई नहीं करूंगा, उसने कृष्ण का कौन सा बात सुना जो लड़ाई करने को शुरू कर दिया। बोले दादा हमको तो मालूम नहीं, जब भांस तुम गीता कह का पढ़ा है, गीता पढ़ा है तो तुम्हारे मगज में भांसोप जाना चाहिए कि नहीं, तो पढ़ता काहे को है, किस लिए पढ़ा है। तो हम तो ऐसा ही पढ़ते हैं, ऐसा तुम काला मुंह करते हैं अपना, ऐसा ही पढ़ के पीछे कृष्ण के ऊपर दोष डालेगा, तो कृष्ण ऐसा बोला है, कृष्ण ऐसा किया है, क्योंकि उसको तुम समझते नहीं है, तो उसने क्या बोला है कैसा बोला है। हमसे पूछा तुम बोलो, तुम इतने आदमी आए हैं, 1000 आदमी बैठा था, बोला तुम्हारे में से एक आदमी तो निकले जो मेरे को सुनाए, कौन सा बात था वो, कौन सा बात सिखाया कृष्ण ने अर्जुन को, जिसे अर्जुन फिर लड़ाई जाके किया, पहले नहीं करते थे। अर्जुन बोला हम लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि मेरा मित्र मैत है, मेरा गुरु गोसाई है, मेरा बड़ा आदमी है, उसको मार नहीं सकता, ये पाप लगेगा, वो मर जाएगा, एक भी नहीं समझा सका, कोई भी जवाब नहीं दे सका। मतलब क्या है, तो जब आदमी कोई समझता है किसको मारना ये पाप है, किसको मारना पाप है, तो सब बोलेगा हम भाई पापी आदमी नहीं बनने को चाहता है, हम नहीं पापी बने। और जब भी तुमको मालूम पड़ता है तो कोई मरना कोई पाप नहीं है, किसको मारना भी पाप नहीं है, हम किसको मारता है तो वो पाप नहीं है, कि वो मरता ही नहीं है, तो उसके मगज में आ जाता है, अरे जब भी कोई नहीं मरता है
तभी मारने में देरी काय को करे। जब ही कृष्ण भगवान जैसा बड़ा आदमी भी बोलता है तो हे अर्जुन, सब आदमी आत्मा है और मरता कोई नहीं है, आत्मा अमर है, अमर है तो बोलता है तो मरेगा कौन, अभी भांजो है कौन जो मरेगा, आत्मा तो अमर है, सब तो आत्मा है। ये बात उस भांजोत को नहीं समझ में आया था अर्जुन को, तो सब लोग आत्मा है। ये एक नया बात कृष्ण भगवान गीता में सुनाया है, तुमको और तुम्हारे दादे को और तुम्हारे गुरु गोसाई भांजोत जो मर गए हैं, राम गए रावण गए जो बोलते हैं, तो राम भी मर गया रावण भी मर गया, अभी तुम किसको बोलेगा तो राम भी मर गया रावण भी मर गया। हम क्या सिखाए तुमको, मैं न मरो मरबो संसार, अब मोह मिलो है जियावनहार, मेरे को गुरु ऐसा मिल गया है जो सब जीता हो गया, कोई भी मरने वाला है नहीं, कोई भी मरेगा नहीं, कोई भी मरता नहीं। अर्जुन को बोलता मेरे को दिखाओ कहाँ कोई मरता है, सब है सलामत है, कोई भी मरता नहीं है, यहाँ ये स्वरूप में है मंगनमल है, तो यहाँ फिर महंगी बाई बन जाती है मरने के बाद, लेकिन है तो सही ना, फिर कुछ ना कुछ है तो मरता नहीं है। तुम बोलता है मर जाता है, हमारा बाप मर जाएगा, तुम्हारा बाप मर जाएगा तो दूसरे का बाप पैदा हो जाएगा, तुम्हारा बाप पहले मरने वाला ही नहीं है उसको तुम पहचानो। जब भी उसने ये समझा तो मरने वाला कोई नहीं है तो उसने बोला आप भी काय को नहीं काटेगा, हम सबको काट रहे छोड़ता है मारता है सबको और सबको सुनाता है तो कोई भी नहीं मरता है, देखो हमारे को बताओ किसको हम मारा है कौन मरा है, सब जाके पर जन्म में आए, ये गीता का ज्ञान है। तो बार बार तुम जन्म में आते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी जलती नहीं है, कभी पुष्टी नहीं है, कभी कुछ भी नहीं होता है उसको, आत्मा को, आत्मा निकलता और जाता और आता नहीं है, है ही है, ऑल परवेडिंग गॉड एवरीवेयर इज गॉड, ऐसा तुम भगवान है, तुम ऐसा आदमी है, आदमी तुम नहीं है, तुम भगवान है, इसलिए तुम कभी मरता नहीं है। और जब ही अर्जुन समझा तो ये हम सब लोग मरने वाले नहीं है, बोला अभी क्या पाप है, चलाओ गोली चलाओ लगाओ, पाप नहीं लगता, अभी इसको पाप नहीं लगा, और अब तक तुमको तो पाप लगता था भाई, ये तो जीता है आदमी, ये जीता वाले को कैसा खाएगा, ये तो मच्छी है, ये पल्ला है, ये बकरी है, इसको काटता है, ये दादा खाता है और तुम्हारा काला मुंह करता है, तो तुम देखता है तो दादा भाई खाता है किसको, खाता है लेकिन वो मरता कहाँ है, खाने के लिए है कहाँ, वो तो जैसा है ऐसा ही है, वो खाता और मरता नहीं है, आता और जाता नहीं है। जंगल में घूमने जा रहे थे तो उधर एक सन्यासी का आवाज आ रहा था, भाई वेद शास्त्र का गान कर रहा था सन्यासी, बहुत नीचे स्वर में संस्कृत का श्लोक ऐसा उच्चार रहा था, दादा को ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, कृष्ण को बोला देखो ये सन्यासी कितना महान है, कितना उत्तम है, सारी दुनिया छोड़ के केवल तुम्हारे लिए आके जंगल में बैठा है, कितना इसका त्याग है बेचारे का, गृहस्थी तो फिर भी मजे में है, लेकिन ये तो सब मजा छोड़ के, दुनिया छोड़ के, स्त्री बच्चा छोड़ के सन्यास में आके बेचारा इतने जंगल में बैठा है, तुमने कभी दर्शन नहीं दिया है सन्यासी को, भाई तुम कैसा है निच्छर भगवान। तो उसने बोला हाँ तुमको ऐसा ख्याल आता है, चलो चलो सन्यासी के पास तो देखे लो कितना सन्यासी है क्या है। तो ये दोनों जाके वेश बदली करके भगवान ने बुढ़े स्वरूप का बुढ़ा स्वरूप ऐसा पहन दिया ऐसा शरीर, और उसको राधा को बड़ा सुंदर बना दिया, और दोनों जाके उस सन्यासी के घर में रहा और बोला भाई आज रात को इधर मेरे को रहने दियो क्योंकि बहुत बरसात है भाई। तो सन्यासी ने पहले तो बोला नहीं नहीं, पीछे बोला ठीक है भाई तुम रह जाओ। जब दोनों रहे उधर रात हो गई तो सन्यासी को नींद आई नहीं, आगे राधा के पास में बाजू में बैठ गया और उसको क्या किया कृष्ण को भंग पिला के और सुला दिया, बोला ये जो है वो बुढ़ा है वो सोया पड़ा होएगा और हम इस राधा से बातें जीते करेंगा। तो जब राधा के बाजू में जाके बैठ गया सन्यासी और बोला तुम कितनी सुंदरी है कितनी अच्छी है, अरे इस बुढ़े को छोड़ो काय के लिए इस बुढ़े के पीछे पड़ी है, तुम इधर ही बैठ जाओ, इसको तो हमने भंग पिलाया है, ये तो सोया पड़ा है, तुम हमारे साथ चलो। एकदम राधा ने कृष्ण को उठाया, बोला बाबा इधर से तो चलो, हमने समझा था ये सन्यासी सारी दुनिया छोड़ के इतना त्याग वैराग करके
और तुम्हारे लिए जंगल में बैठा है। हमने क्या समझा तो ये इधर भी माया में बैठा है, हमने समझा तो ये ग्रस्त छोड़ के और संन्यास में बैठा है, लेकिन इधर इसके अंदर में इतनी माया भिड़ी पड़ी है जो सारा ही माया में डूबा पड़ा है। मेरे को तो ऐसा पता ही नहीं था। कृष्ण ने बोला अभी समझा तो काय के लिए मैंने दर्शन नहीं कराया उसको, अभी चलो मेरा भगत देखो। तो राधा को उधर से उड़ा के गृहस्थी के घर में लेके आए। जो गृहस्थी बाहर से शाहूकार था बहुत, उसके आगे नाच गाना डांस खाना पीना स्त्रियां ये वो सब खड़ी थी और वो ऐसा देख रहा था, बहुत हंस रहा था, बहुत मौज में था। राधा ने बोला ये भी तुम्हारा भगत है? ये क्या भगत है? जैसे ही कृष्ण आया अंदर और उस गृहस्थी ने देखा भगवान को, एकदम उसमें लीन हो गया। जपी मार के उसको ऐसा रोया, ऐसा लीन हो गया, बोला भगवान मैं तुम्हारे को तो देख रहा था। तो राधा हैरान हो गई, ये तो सब स्त्रियां ये वो देख रहा था, नाच गाना ये बोलता है ना भगवान को देख रहा था। तो एकदम ताली बजा के सबको बोला निकल जाओ, हमारा भगवान आ गया। सब उधर हो गया और ये भगवान से बैठ के बातें चीते ये वो, जैसे बैठा ही उसके लिए था, जैसे इंतजार ही उसका था, जैसे वो माया में था ही नहीं, बैठा ही नहीं था। बाहर से जैसे बैठा था, अंदर उसी का मन जो था 24 घंटा उस भगवान के याद में था, भगवान में वो लीन था। तो राधा हैरान हो गई, देख के रो ये भगवान से तो मिला है लेकिन सब कुछ भूल गया। तभी राधा को बोला तो देखो हमारा भगत ऐसा है, चाहे कहाँ भी बैठा है लेकिन इसकी वृत्ति कहाँ है? जैसे तेल की धारा ऐसा बहती है, लगातार बहती रहती है, तैसे हमारे भगत की वृत्ति लगातार मेरे में है। दूसरी माया उसके सामने है ही नहीं, चाहे सामने तुम देखते हैं तो आंखों से जैसे वो देख रहे हैं माया, लेकिन अंदर की आंख उसकी क्या है? अंदर की आंख से ज्ञानी देखता है, बाहर की आंख से नहीं देखता है। बाहर की आंखें खुली भी पड़ी है तुम समझेंगे जैसे हम देखते हैं तैसे भगवान भी देखता है, लेकिन उसकी मड़ी हुई जैसे बिल्ली होती है ना, उसकी आंख जैसे कुछ नहीं देखती है, तैसे ज्ञानी की आंख बाहर से तो उठ गई है, निकाब उसने सबका उठा दिया है, और अंदर की आंख से वो सर्व को अपना आप ही करके देखता है। जो आता है ये भी मैं हूँ, जो जाता है ये भी मैं हूँ, जो बैठा है ये भी मैं हूँ, सब मैं ही तो हूँ। अभी हुए जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूज वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूज वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे में है झांकी भगवान की, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। बोले रुकी तो न खाओ स्वामी घी तो लेते जाओ, रुको अपना क्यों मुझसे छुपा रहा। तेरा मेरा एक नूर फिर काए को हजूर, तूने शक्ल स्वान की मुझे और नी उड़ा दी इंसान की। जरे जरे में झांकी भगवान की, किसी सूज वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे में झांकी भगवान मुरार। बड़ी कृपा ने दान की, धन्यवाणी हूँ मैं आपके एहसान की। जरे जरे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे
दिखाया आई आंखों में रोशनी ज्ञान की, देखी झूम झूम झलकियां जहान की, जड़े जड़े में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, जड़े जड़े में है झांकी भगवान। समाया सारे जग को लखाया आई आंखों में रोशनी ज्ञान की, बड़ी मैर है इस मेहरबान की, देखी झूम झूम झलकियां जहान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, जरे जरे में है झांकी भगवान। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है, हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है, हर एक राही को। जो तुमको करना है वो आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, किसने देखी है। जो तुमको करना है वो आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखी है। हर एक पल खुद को सावधान रहना है, हर एक पल खुद को सावधान रहना है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है, हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। जिस आनंद के लिए हर कोई भटकता है, अपने उस आनंद का सतगुरु से पता मिलता। जिस आनंद के लिए हर कोई भटकता है, अपने उस आनंद का सतगुरु से पता मिलता। सतगुरु की मैं मांगो कोई गा नहीं सकता,
गुर की मैं मांगो, कोई गा नहीं सकता। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है, इस जीवन में पाना है। अपने इस मकसद को इस जीवन में पाना है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक टूटेगा अभिमान ये तेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू मन में तेरे जो प्यार नहीं है, मन में तेरे जो प्यार नहीं है, जीवन में कुछ सार नहीं है, कर्म धर्म बेकार तेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू। माया मोह का जाल पड़ा है सर पर तेरे, काल खड़ा है चार घड़ी का जीवन तेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, इस जग की तू रीत तोड़ दे, इस जग की तू रीत तोड़ दे, सतगुरु आगे हाथ जोड़ दे, काट ले जन्म मरण का फेरा, ना कर अब तू मेरा मेरा, ना कर अब तू, ना कर अब तू।